उर्मिला मातोंडकर ने दिया कंगना रनौत को करारा जवाब, कहा कि उसे लगता है कि वो मेरा मनोबल तोड़ देगी, मुझे बदनाम कर देगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पर ऐसा क्या कह दिया कंगना रनौत ने जो अब उर्मिला एक बार फिर से कंगना रनौत पर भड़क गई है। आपको बता दें कि कंगना रनौत और उर्मिला मातोंडकर में झगड़ा तब शुरू हुआ जब कल कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए बताया कि उर्मिला मातोंडकर ने शिवसेना ज्वाइन करने के कुछ ही हफ्तों में अपना खुद का पर्सनल 3 करोड़ का ऑफिस खरीद लिया। उनकी इस बात पर कंगना रनौत ने तंज कसते हुए कहा था कि मैंने बीजेपी को सपोर्ट करके क्या पाया, 20 से 30 केसेस हुए मेरे ऊपर, इससे अच्छा मैं भी आपकी तरह कांग्रेस को सपोर्ट करती तो शायद कुछ फायदा हो जाता। कंगना के इस ट्वीट के बाद उर्मिला मातोंडकर ने कंगना के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने ये जो सारी प्रॉपर्टीज है उसकी डीलिंग शिवसेना ज्वाइन करने से पहले ही कर ली थी, सारे कागजात उनके पास है जो वो दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन कंगना की वो लिस्ट कहाँ है जो वो NCB को देने वाली थी और बताने वाली थी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये लोग ड्रग्स लेते हैं। अब उर्मिला के उसी वीडियो पर कंगना रनौत ने कमेंट करते हुए कहा है, अच्छा लगा कि आपने अपनी मेहनत से घर लिया है, बहुत शुभकामनाएं आपको। सुना है आपने निकाह के लिए धर्म परिवर्तन किया है, फिर भी गर्व से गणपति बप्पा मोरिया बोल रही हैं। ये भी देखकर अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट टू यू। आपको बता दें कि उर्मिला मातोंडकर के जो हस्बैंड है वो कश्मीर से हैं और मुसलमान हैं, और उनकी जिंदगी के इसी पहलू को टारगेट करते हुए कंगना ने ये कमेंट्स लिखा है। अब उर्मिला मातोंडकर ने एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कंगना को जवाब देते हुए कहा है कि कंगना को मेरे धर्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुष्टिकरण करके और जानबूझकर मेरे धर्म जैसे फालतू मामलों से कंगना लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उसने एक बार फिर से मेरी बात को सच कर दिया कि उसके पास असली मुद्दों पर बात करने की हिम्मत नहीं है। उन्हें लगता है कि मुझे बदनाम करके, मुझे नीचा दिखाकर मेरे मनोबल को वो गिरा देगी। उन्होंने मेरा नाम, मेरे पति का नाम, मेरे ससुराल वालों का नाम लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। जब ये सब चीजें भी मेरा मनोबल नहीं तोड़ पाए तो अब ये बातें मुझे क्या तोड़ेगी। इसके अलावा उर्मिला मातोंडकर ने कहा है कि वो इसी तरह से जवाब देती रहेंगी, वो माफी कभी भी नहीं मांगेंगी। अगर हिम्मत है तो जो कहा है ड्रग्स मामले में वो साबित कर दे, नहीं तो मेरे सामने आकर घुटने टेक दे, उससे पहले मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो एक बार फिर उर्मिला मातोंडकर ने कंगना को चुनौती दी है कि ड्रग्स मामले में जो लिस्ट है उस पर सफाई दे दे, और अगर वो लिस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर घुटने टेक के माफी मांग ले। कुछ इस तरह से उर्मिला मातोंडकर ने कंगना रनौत को चैलेंज कर दिया है।